ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को आजादी मिली थी और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया भी जाता है। ये दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही खास दिन है। आज की इस वीडियो में 15 अगस्त और इस खास तारीख से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि जनगणमन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साल 1911 में ही लिख लिया था, लेकिन तब तक इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला था। साल 1950 में ये हमारे देश का राष्ट्रगान बना। फैक्ट नंबर 2, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 तक नहीं हुआ था। जी हाँ, इसका फैसला 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। फैक्ट नंबर 3, 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसमें शामिल ही नहीं हो पाए थे क्योंकि वो इस समय बंगाल के नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने में लगे हुए थे। फैक्ट नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसे उन्होंने 14 अगस्त की रात को वायसराय हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर दिया था। नेहरू जी के इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी जी उस भाषण को नहीं सुन पाए थे क्योंकि वो रात 9 बजे ही सोने चले गए थे। फैक्ट नंबर 5, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि हर 15 अगस्त को भारत के माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। जी हां, लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से पहली बार झंडा फहराया था। फैक्ट नंबर 6, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्बेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त के दिन ही पड़ रही थी, इसी कारण इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला हुआ था। फैक्ट नंबर 7, 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने ऑफिस में काम किया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने दोपहर के समय उनको अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया, जिसके बाद ही देश ने आजादी की सांसें ली। फैक्ट नंबर 8, 15 अगस्त 1972 को डाक पिन, जो कि 6 अंकों का होता है, इसकी शुरुआत हुई थी। इसका प्रत्येक अंक एक निश्चित क्षेत्र को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 9, 15 अगस्त 1950 का दिन इतिहास में एक दर्दनाक हादसे की वजह से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में भयानक भूकंप आया था, जिसके कारण करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 10, 15 अगस्त को आजादी के दिवस के रूप में भारत के अलावा 5 और देश भी मनाते हैं, और ये 5 देश है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, बहरीन और लिंकटेनस्टाइन। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।